अब हम सवाल जवाब करेंगे, हर बारी 5-7-10 लोग ही चिल्लाना, सो दैट वी कैन हेयर दी आंसर्स, क्योंकि बिटवीन यू एंड मी सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए आज के लिए. सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं. बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल है. हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे. जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज. और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, तो हम वो करते रहे. आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा. So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it. And I want to thank Manan and the whole Yashraj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said to lots of people. the 4 years that I did not, matlab 2 saal, because 1.5-2 saal to hum kaam hi kar rahe the saath mein. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And mere liye bhi waisa hi tha. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया, आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रन. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका, आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा, उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज़ फूड ईटरी. तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा इनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज़ इसको पिज्ज़ा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूँगा. सो ये अच्छी बातें हुई. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. जॉन इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड. व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर. एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिड रिक्वेस्टेड हिम, एंड वॉज वेरी काइंड. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया. हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, 2-4 सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था उन्हें. और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है, ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं. और जब मैं उसमें फेल होता हूं किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज़ यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, it will be an expensive film, it is a time consuming film, but to get me and give me a chance to come at the time when I wasn't working and allow me to be a part of this film, I will ever ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika of course. Main usko grateful nahi kehta, mohabbat kam ho jati, but I just want to say to be part with friends and enjoy this film. Main wo 4 saal bhul gaya hu pichle 4 din ke andar. These 4 days are the happiest. तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं. मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा ये दीपिका के लिए. दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे. आई नो. हाँ, पिज्जा खिलाया बहुत बार. वाओ. बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, सो आई कुडंट हैव हिज पिज्जास टू ऑफन. बट या, ही इज अ गुड सिंगर. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं, या आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, कभी आपको गा के सुनाया? जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग इसलिए सुनाया. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं,
दिल को बना दे जो पतंग सांसे तेरी वो हवाएं हैं. वेरी गुड. वाह 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 वाह. दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूं ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर्स की सबसे बड़ी फिल्म है यार. ओ, क्या बात है. इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम. क्या बात है यार. तो कैसा लगा आपको जब पहला निर्देशन दिया गया था, इतना हैंडसम? धूम मचा ले, कम ऑन यू पीपल. सबके लिए गाना करूंगा जी. हाँ हाँ, सबके लिए. तेरी बारी भी आने. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते हैं, बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ? ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसे ना सुबह सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. ओके. मैं भी उठ गया. हाँ. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं. तो मैं बहुत डर गया और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ. मैं हर रोज़ अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर जॉन, माइसेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूँगा कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ स्टिल नॉट संक इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, ऑल द मीडिया, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से द पावर्स दैट बी, बिकॉज दे वर टाइम्स वेन वी हैड टू मेक कॉल्स टू पीपल एंड से कि प्लीज़ हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें. एंड दे ऑल टुक चार्ज ऑफ इट एंड वी वर सो हैप्पी दैट द फिल्म वॉज रिलीज विद सो मच. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात यह होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला, मेरे को लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी. बट स्टिल इट शुड नॉट हर्ट एनीवन, इट शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन, बिकॉज फिल्म वॉचिंग, फिल्म मेकिंग, फिल्म एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट. सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज हेल्प्ड अस आउट विदाउट मेकिंग इट अ बिग थिंग, जस्ट हेल्पिंग अस आउट मेकिंग अ फाइन फिल्म, रिलीजिंग इट फॉर फाइन पीपल एंड होपफुली इट विल गिव फाइन फीलिंग्स टू द वर्ल्ड. बिकॉज फिल्म का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है यार. एक्चुअली फिल्म में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट है, खुशी का एक जरिया है. सो इफ इट कैन जस्ट कम आउट विद लव एंड पीपल इन्जॉय इट विद लव, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें आती हैं अच्छी और बुरी. बट आई थिंक देर शुड बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लव व्हेन पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फैमिलीज गो टू वॉच फिल्म्स इन सिनेमा थिएटर्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, दे शुड जस्ट फील हैप्पी that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice and I'm so happy it's happened. I love you too. Main bhi shuru kar raha hu dating services ke baad. Next weekend se sab apne telephone number bhej dena. I'll be there. To you too. So pyar dena, pyar dena. Thank you. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी दो भाई. मंडा बंडी. एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट. एंड मुझे थैंक यू. मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आर लाइफ्स, लाइफ इज लाइक दैट, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट दे विल बी गुड डेज एंड दे विल बी बैड डेज एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज. तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर, उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. सो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे
मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे हमेशा उसने हमेशा के लिए बैल्कनी का टिकट दिया हुआ है। पांच सौ करोड़ पूरे अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को उसके। अच्छा एक काम करते हैं, दो मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये अनुराग को पता नहीं है, दो मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। दीपिका गेटी गैलेक्सी गई थी आप और आपने जो